नमस्कार हम आप सबको। सनसेट से पहले डिनर क्यों, यानी सूर्यास्त से पहले डिनर करना क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा है, आपको ये देखनी चाहिए। 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने बल्ब बनाया। सन और उनकी रोशनी के ऊपर डिपेंडेंट ये दुनिया पूरी तरीके से बदल गई। आर्टिफिशियल रोशनी की इस दुनिया ने एक ऐसा वर्क कल्चर डेवलप कर डाला जिससे ज़्यादातर लोगों के ऑफिस आवर्स या तो सनसेट हैं, कईयों के तो उसके बाद भी हैं। ऐसे में सनसेट से पहले डिनर कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा हो गया है। लेकिन जिस रेट से बीमारियां बढ़ रही हैं, क्या उसके पीछे सिर्फ क्वालिटी ऑफ फूड रिस्पॉन्सिबल है या फिर फूड की इनटेक की टाइमिंग भी? अगर आप दुनिया के किसी भी मेडिकल साइंस के रिसर्चर से बात करें, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे किसी का भी, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, किसी भी, तो ज़्यादातर लोग सनसेट से पहले डिनर करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? अगर आप ढूंढेंगे तो आपको दसियों ऐसे कारण मिलेंगे जो ये जस्टिफाई करते हैं कि डिनर सूर्यास्त से पहले करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ तीन मेजर चीज़ें शेयर करना चाहता हूं जो इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं और जो इस बड़ी प्रॉब्लम को बताते हैं कि सनसेट के बाद डिनर करने की ड्रॉबैक क्या है। मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां देखी गई वो है नाइट टाइम में ऑक्सीजन के लेवल में माइनर डिक्रीमेंट। ये हम सब जानते हैं कि जितने भी हमारे आसपास प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन का मेन सोर्स है, वो दिन के वक्त ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, CO2 इनटेक करते हैं, और रात के वक्त मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स CO2 रिलीज़ करते हैं जैसा कि हम करते हैं। ऐसे में रात के वक्त ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा डिप होना बड़ा ही नेचुरल है। अब जब आप फूड इनटेक करते हैं तो फूड इनटेक के प्रोसेस में फूड का स्टोमिक में जाना, बाइल जूस, पेंक्रियाटिक जूस का मिक्स होना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस के फॉर्म में जाना, ब्रेक डाउन होकर के फिर उससे ब्लड में मिक्स हो जाना, वहाँ से सेल तक पहुँचना, इस प्रोसेस में यहाँ ब्लड से सेल्स तक पहुंचने में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रही होती है जिसे हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहते हैं, और उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऑक्सीजन के लेवल में जरा से भी कमी है तो वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन की रेट को स्लो कर देगा, जो हमारे अल्टीमेटली डाइजेशन को इफेक्ट करता है। ये जो बैड डाइजेशन का बहुत बड़ा कारण है, साथ में जो आजकल ओबेसिटी है, पेट का निकलना है, इन सब के पीछे भी एक बड़ा कारण यही है कि जब बॉडी एक्टिव नहीं है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बहुत एक्टिवली नहीं है, तो सेल्स में उनका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, उसकी स्टॉकिंग एक प्लेस पर हो जाती है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और भी मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारे सोने के प्रोसेस का मेन मतलब है हमारी दिन के वक्त एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी सेल डेड कर जाते हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी रिपेयरिंग का काम रात को चल रहा होता है। इसे मेंटेनेंस वर्क ऑफ सिस्टम कहते हैं। यही सोने का मतलब है। तो अगर आपने सोने से जस्ट पहले खूब सारा फूड इनटेक कर लिया तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो उसकी प्रोसेसिंग, उसके डाइजेशन में चला जाएगा। तो जो स्लीपिंग के स्टेजेस हैं जिसमें पहली में बॉडी का न्यूट्रलाइज होना, टेम्परेचर मेंटेन करना, कुछ स्पेशल केमिकल्स रिलीज करने से टेम्पोरली पैरालिसिस होना, मतलब पैरालाइज होना जिससे कि बॉडी की एक्सटर्नल मूवमेंट ना हो, उसके बाद बॉडी रिपेयरिंग का काम शुरू करती है, दोनों के फिनिश होने के बाद सपनों की दुनिया शुरू होती है, तो उस सेकेंड प्रोसेस के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है। तो अगर आपने मेजर टाइम डाइजेशन में दे दिया तो वो तो प्रॉपर हुआ नहीं। ऐसे में जब आप सुबह उठेंगे तो आप बहुत फ्रेश फील नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी, आपकी इम्यूनिटी भी वीक होगी क्योंकि रिपेयरिंग वर्क बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो रिपेयरिंग के लिए सही समय देना ज़रूरी है, इसीलिए सोने से 2-2.5 घंटे पहले डिनर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी, एक और प्रॉब्लम कई जगहों पर देखने को मिलती है और वो है कि नाइट टाइम में इंसेक्ट्स की, छोटे छोटे जैसे मॉस्किटो आप रात के वक्त बहुत देखते हैं, सनलाइट की एब्सेंस की वजह से खूब सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स की मूवमेंट हो जाती है जो अपने साथ कुछ माइक्रोब्स कैरी करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज या उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण है। तो अगर ये आपके खाने के ऊपर बैठ गए, इससे आपका फूड कंटेमिनेशन हो गया यानी दूषित हो गया, और उसके वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो ये एक वजह है, सिर्फ यही तीन नहीं है, और भी बहुत सारी वजह हैं। आप जानते हैं डे के वक्त कुछ स्पेशल हार्मोन्स डाइजेशन के प्रोसेस को बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। इसके अलावा बेड टाइम से जस्ट पहले फूड इनटेक करने से कुछ एसिड रिफ्लक्स जैसी प्रॉब्लम होती हैं, गैस्ट्रो एसोफेगल डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं, आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, जब सवाल हेल्थ का हो तो कोई ना कोई इन एक्सक्यूजेस से बाहर निकल करके मुझे और आपको कोई ना कोई अरेंजमेंट तो करना ही होगा, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को ख़राब करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर ध्यान देंगे और इसके ऊपर हम सब मिल करके कुछ रिवोल्यूटरी लेवल पे ये प्रोसेस, ये बात सब तक शेयर करेंगे और सबके साथ डिस्कशन करके एक रूटीन बनाएंगे, जो पहले से चली आ रही परंपरा है, जो बीच में कुछ सालों के लिए बंद हुई थी, उसको हम रीस्टार्ट करेंगे, जिससे मेजर प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। कुछ स्पेशलिस्ट का तो दावा है कि अगर कोई
कोई 6 वीक तक लगातार कर ले तो उसकी 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो हमें इसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।